केम शिक्षा चैनल पे आपका स्वागत है। केमिस्ट्री लेक्चर्स, ट्रिक्स एंड टिप्स, स्टडी मेंटरशिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप सॉल्यूशन साइड पे, हाई कंसंट्रेशन साइड पे प्रेशर लगाओगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो फ्लो जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो जाएगा। पहले मैंने आपको क्या बोला था, सॉल्वेंट कहाँ मूव कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में कर रहा है, ये बात मैंने आपको बताई थी। यहाँ आप रेड कलर का एरो देखो तो ये मूवमेंट हो रहा है मेरा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं बस रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। आपको क्या लिखना है, व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाई टू द हायर कंसंट्रेशन या टू द सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज जस्ट रिवर्स, या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. आप ये ना बात यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो जो मेरा फ्लो है वो अपोजिट हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इस फिनोमेना को बोलोगे रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। घर में जो आरओ पीने का पानी लगा रहता है एक आपका, वो इसी पर काम करता है। ऊपर से टंकी में पानी आता है वो क्या आता है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं वहां पे सॉल्ट या जो हम बोलेंगे गंदगी गंदगी हार्डनेस होती है, ठीक है। और यहाँ मेरी लगी रहती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ से फ्रेश वाटर आ जाता है, यहाँ से ये वाटर सेपरेट, ठीक है, ये पानी कच्चा है। आपका जो घर में आरओ लगा रहता है तो यही प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका नाम ही इसलिए होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ प्लांट, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका बहुत ही वाइड आपका यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। नाउ डेज इट इज यूज फॉर द डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है वो बहुत सॉल्टी होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वहां से हम आरओ के थ्रू, अब ये प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है, तो वहां आरओ अप्लाई करके क्या करते हैं, स्पेशल सिस्टम बना के फ्रेश वाटर को ऑब्टेन कर लेते हैं। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वाटर स्केरिसिटी है, ठीक है, वहां पे इस प्रोसेस से वाटर ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे आपने अरब कंट्री नाम सुना होगा, जो अरब कंट्रीज है वहाँ डेजर्ट है और आसपास पूरा समुद्र है, अगर आपने कभी मैप में देखा पता हो, तो वहां पे ये एप्लीकेशन यूज की जाती है प्योर वाटर ऑब्टेन करने के लिए। इस पे केस स्टडी भी आई थी, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर, ठीक है। क्लियर हुई बात? यस सर। ये मेरी यहाँ पे सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। अब KCl में अगर मैंने KCl वाटर में डालता हूँ तो मेरा सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब ये जब डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये तो आपके 1 मोल KCl है, ठीक है। अब डिसोसिएट होके दो आयन में डिसोसिएट होता है, ओवरऑल बोल सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ आयन कैन बी ऑब्टेंड, 2 मोल ऑफ आयन ऑब्टेंड, मैं ये बात कह सकता हूँ। अगर इसको वाटर में डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे इसके 2 आयन में ब्रेक होगा ना, एक तो ब्रेक होगा आपका के पॉजिटिव में, दूसरा जो ब्रेक होगा वो आपका ब्रेक होगा आपका Cl नेगेटिव में, टोटल 2 आयन मिले मुझे, तो 1 मोल KCl को डिजोल्व करने किया मैंने वाटर में, तो 2 मोल ऑफ आयन ऑब्टेंड हुए कि नहीं हुए, जो कोई जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी है, वो क्या है मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन पे, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ आपके ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 1 मोल डाल रहा हूँ, 2 मिल रहे हैं, तो इस तरह से मैं अगर आपसे बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट मेरा डबल हो जाना चाहिए, 2 × 0.52, ठीक है। ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर मानो ये मेरा क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो जब आपको डालोगे तो इसका एक्चुअल में डबल होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, इसका हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहीं पे आपका ये बनता है एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और यहीं से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी आप क्या करोगे डिसोसिएशन, आप ये कंडीशन होगी ये क्या हो रहा है डिसोसिएशन, दूसरी कंडीशन होती है तो वहां पे क्या होगा एसोसिएशन, वहां पे आपका हो रहा है एसोसिएशन, वो भी मैं आपको बता दूं कहाँ पे होता है। एक तो मेरा CH3COOH एसिटिक एसिड है, ठीक है, और उसके 2 मोल एसिटिक एसिड है वो किसी भी लो डाई इलेक्ट्रिक सॉल्वेंट में है ना, कोई दूसरा सॉल्वेंट होता है अदर देन वाटर, जैसे कि आप एसिटिक एसिड ही ले लो है ना, उसमें क्या करता है वो डाइमराइज हो जाता है,
दो मॉलिक्यूल मिलके आपस में एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन, और ऊपर जो था उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन डिसोसिएशन तो सिंपल है, समझ में आता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ मेरा, यस ये सर, हो गया डिसोसिएशन, तो वो हो रहा है एसोसिएशन। आपका टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास करके दिया हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। यस सर, ये यहाँ पे अब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दो थे और यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया। तो यहाँ उल्टा क्या होना चाहिए, यहाँ आपके ऐसा मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, वो हाफ रह जाना चाहिए देन इनिशियल, यस सर, क्योंकि इनिशियली कितना था मेरा, इनिशियली कितना था, इनिशियली दो था, बाद में कितना रह गया एक। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया है, वो ये है सेम चीज आपका मोलर मास के साथ भी होती है, ठीक है। तो जब भी डिसोसिएशन होगा आपका और एसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन में जो आपका मोलर मास होता है वो हमेशा आपका लो रहेगा, ठीक है। डिसोसिएशन में जो मोलर मास है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लेस देन द ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ मोलर मास, ठीक है। अब ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी अपन सब देखेंगे, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, वो जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। सेम चीज आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए भी है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे होती है कि बनता हूँ शिफ्ट, इसको मैंने यहाँ लगाया इक्वल, आई की वैल्यू आपकी आएगी नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये आपका जो एबनॉर्मल मोलर मास है, इसी को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। और ऑब्जर्व जो है आपका वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इस बात को याद रखना। ऑब्जर्व एक आध जो क्वेश्चन देखोगे तो गिवन इन द क्वेश्चन, और कैलकुलेटेड वो जो आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको क्या आई मेरा है उसको मैं बोलूंगा फैक्टर, आपका आज का क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटली लिखा है। ऑब्जर्व वाला होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑब्जर्व होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब इसको और समझ लेना एक बार, आई की वैल्यू। अब अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, पहले बात करता हूँ डिसोसिएशन की, और उसके बाद बात करता हूँ मैं आपसे एसोसिएशन की, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, डिसोसिएशन में हमेशा आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, और एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होगी। ये हुआ यहाँ तक, यस सर, इस तरीके से आपका वेंट ऑफ फैक्टर की प्रेजेंस में आपका ये फॉर्मूला बना, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब तुम्हें क्या करना है, ये चीज कब लगानी है और नॉर्मल फॉर्मूला कब लगाना है, इस चीज को समझ लेना। जब भी आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, जैसे KCl, NaCl, ठीक है, तब आप क्या लगाओगे, तब आप इन सबको लगाओगे, क्लियर हो गई बात। यस सर,
अभी ये क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो भी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो हो गए आपके फॉर्मूले, यहाँ पे कोई डाउट हो। अब क्या है, अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जो आपके जनरल ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ ग्लूकोज, जैसे मैं आपसे बोलूँ यूरिया एक्सेट्रा, उनमें आई की वैल्यू क्या होती है, वन। इसके अलावा एक तो कम्प्लीट डिसोसिएशन मानते हैं जब तक नहीं दिया हो। तो मैं आपसे NaCl बोलूँ, NaCl कितने आयन में ब्रेक होगा, दो में ब्रेक होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, यस सर। ये थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए, आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, NaCl में कितनी होगी आई की वैल्यू, टू। KCl में कितनी होगी, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ उसके बाद आपसे अगर बोलता हूँ मैं K2SO2, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ CaCl2, उसके बाद मैंने आपसे बोला ऐसे Al2SO4 होल थ्राइस, इन सब में आई की वैल्यू चलो आप बताओ, ट्राई करो। आई इलेक्ट्रोलाइट है, जब आपको क्वेश्चन में ये दिया हो और साथ में आपको कोई भी क्या कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हो, तब आपको आई ये वाला फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे आपका आई आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। समझ गए बात? यस सर। अगर आपको डायरेक्ट दे दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज द प्रेजेंट और आपको फाइंड आउट द मोलर मास और वेट, तब आई नहीं लगाना है। जब आपको ऐसा दिया है कि यूरिया आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया है KCl Na2SO4, तो वहां पे आपको अच्छा लगाना है आई है, यहाँ पे आई की वैल्यू जाएगी 3, ये जो भी आपका अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट हो। यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी आई की, 2। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे कितनी होगी, 2। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी सर, 3। यहाँ कितनी होगी, 2। यहाँ पे CCl2 हो में, यस सर। कैसे हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे ही ब्रेक होता है? यस सर। कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, तीन बस। हाँ तो कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ कितनी होगी, 5। समझ गए? तो आपको अब yes, आपको क्वेश्चन कैसे देखना है इस चीज को समझो। अगर आपको ये दिया हो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और उसका आपका वेट फाइंड करना है और ये जब मेंशन नहीं है कोई भी, तब आपको आई नहीं लगाना है, तब अपन ने जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। ये मेंशन हो और ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं वो भी गिवन होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे आई की वैल्यू होती है जितने आपके ये आपके इलेक्ट्रोलाइट में आयंस में ब्रेक हो रहा है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, जब तक कुछ ना दिया हो तो कंप्लीट डिसोसिएशन ही हम मानेंगे, ठीक है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। क्लियर हो गया? यस सर। अब दो चीजें और हैं, एनसीईआरटी में दो शॉर्ट एग्जांपल्स दिए हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में चैप्टर के, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, बोलता हूँ उनसे काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। तो वहां पे आपकी जब बात होती है एसोसिएशन के लिए, ठीक है, एसोसिएशन में रिलेशन बिटवीन, या मैं आपसे बोल देता हूँ रिलेशन बिटवीन वेंटॉक्स फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मेरा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना मेरा क्या डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो एसोसिएशन के लिए जब आप बात करोगे, अब याद रख लो आई इक्वल्स टू 1 - α/2, इस टाइप का जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, NaCl टाइप या AB टाइप, ठीक है। तब आप यहाँ से याद रख लेना कि आपका क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन, ये जब बात आएगी आपकी डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन के लिए आप क्या करोगे, डिसोसिएशन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 + α/2, ठीक है, ये आपका रिलेशन, सॉरी 1 + α/2, ये आपका किसके लिए, ये आपका डिसोसिएशन। क्लियर है? और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, बोर्ड में तो पापा कम आएगा। आई मैंने लिख दिया वेंटॉक्स फैक्टर है, ये आपके कुल मिला के सारे के सारे फॉर्मूले बन गए। क्लियर हो गए? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नो सर। ठीक है, चलो। यस सर।
चलो ऑप्शन समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक देखो, अब क्या है 2.40, यहाँ पे जब आप देखोगे तो CaCl2 मेंशन है। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि हमें सर आई यूज करना है फॉर्मूले में कि नहीं करना है, वहां पर वही चीज है कि आपका CaCl2 जो है वो आपका मेंशन है। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि आपका CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट मेंशन है, तो आप यूज करोगे। अब तो हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, फाइंड हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया, अमाउंट ऑफ CaCl2 फाइंड करना है, यानी आपको W फाइंड करना है। मैंने बोला था कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको, वैल्यू मुझे गिवन है, मैं कर दूंगा 2.47। अब मुझे सिर्फ सिंपल यहाँ कैलकुलेशन रह गया, 0.75 इनटू 2.47, और मुझे वेट फाइंड करना है W इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 आपको आना चाहिए, इसका होता है लगभग लगभग 40, इसका आप बोलोगे 71 Cl2 का। मैं ऑलमोस्ट रख सकता हूँ 111 इनटू आपकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 2.5 लीटर। ठीक है, लीटर में दे रखा है तो मैं मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये आएगा मेरा, और आपको फिर वेट फाइंड करना है। ठीक है, इस कंडीशन में फिर क्या होगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो हम शिफ्ट कर दूं, वेट इज इक्वल्स टू आर और टी की वैल्यू और पुट कर दी, सॉरी तो कंसंट्रेशन था, पूरी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो वो ये करूंगा 0.75 इनटू 2.47 अपॉन 111 इनटू 25, ये तो हो गया कंसंट्रेशन सी। उसके बाद 0.081 आर की वैल्यू है और आपका कितना दिया है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन, ये सारी वैल्यूज आ गई, इसको शिफ्ट करके कैलकुलेट कर लोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.75 इनटू 111 इनटू 25, ठीक है, अपॉन 0.0821 इनटू 300। अब यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, अमाउंट पूछा है, अमाउंट जो आपका आएगा वो लगभग लगभग आएगा आपका 3.46 ग्राम के आसपास। ठीक है, यस सर, लगभग लगभग मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो लगभग लगभग सॉल्व करके आएगा नियरली 3.46 ग्राम के आसपास, आंसर आपका मोल में दिया है, मोल में क्या करोगे 3.46 अपॉन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 111 है, तो ये नियरली कितना आ जाएगा आपका 0.03 मोल, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर होगा? यस सर। अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ये देखो 2.41 है, ये दिख रहा है, इसमें क्या क्या गिवन है, डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तुम्हें कोई भी दे सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे सकते हैं वो, है ना, वो तुम्हें टीबी दे सकते हैं, वो तुम्हें डेल्टा टी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, बस वहां पे क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा तो आपको आई लगाना होगा, इतनी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिसॉल्वेंट 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या है, मेरा वॉल्यूम है मेरा 2 लीटर, ठीक है, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, और वेट सॉल्यूट का 25 मिलीग्राम, तो हम इसको करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, K2SO4 का वेट निकालो के आप, तो लगभग लगभग कितना आएगा आपका, आपका पोटेशियम का होता है वो सब 39 होता है। ठीक है, K2SO4 का वेट निकालोगे तो यहाँ का आएगा वो 78 ऑलमोस्ट 174, ठीक है, 174 आएगा, रोटेशन का होता 39, सल्फर 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, ये आपका आया 174। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू ICRT, क्लियर हुआ यहाँ तक, पाई मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ ना जब मेंशन हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आई ये कितना आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि इन्होंने
ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आपका क्या है, कितना परसेंट डिसोसिएशन है, क्या है। हम क्या करेंगे, जितने आपके आयंस में डिसोसिएट हो रहा है वही आपकी आयन की वैल्यू निकलेगी। यहाँ आई हो जाएगा मेरा 3, बिकॉज इट्स फुल्ली, अज्यूमिंग इट इज फुल्ली डिसोसिएट। ठीक है, कंसेंट्रेशन की बात है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 55 × 10⁻³। ठीक है, और ये आपका आया 174 इसका मॉलिकुलर वेट और 2 लीटर वाटर है, ये बात हो गई। ठीक है, आर रखोगे 0.0821 × टेम्परेचर मेरा 298। क्लियर हुआ, अब उसको कैलकुलेट कर लो आप, 3 × 25 × 10⁻³ / 174 × 2, ये है मेरा 0.0821 × 298। कर लोगे इसको कैलकुलेशन, इसमें पे टाइम लगेगा, इसका जगह थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो लगभग लगभग आ जाएगी आपकी 0.6 के आसपास। फाइनल वैल्यू जब आप देखोगे तो वो आएगी आपके लिए सॉरी 1.834/248। ये रफली जब आप देखोगे, अगर मैं इसको आप कर दो 1834 × 10⁻³ / 348। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.57 × 10⁻³ मीटर एटमॉस्फेयर आपकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर हुआ? यस सर।